यमुनगर के स्टेशन रोड पर संचालित एक स्पा सेंटर पर सीएसपी अभिषेक तिवारी तथा बालायुक्त की टीम के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई है। रेड कार्रवाई से जहां हड़कंप के हालात बनते हुए नजर आए, वहीं यहां पर आपत्तिजनक हालात में स्पा सेंटर में सर्विस देने वाली युवतियां तथा कुछ युवक भी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग युवक को ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत के बाद पर यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि शहर के गणमान्य लोगों से लेकर तथाकथित खबरची भी यहां पर अपनी हराम की कमाई लुटाने के लिए, मसाज कराने के लिए आए दिन पहुंचते रहते थे। वहीं इस मामले की भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बचती हुई रहती थी। लेकिन आज बाल आयोग की टीम के दमोह भ्रमण के दौरान कुछ खबरचियों के द्वारा इस मामले की जानकारी सदस्य ओमकार सिंह को दी गई थी, जिसके बाद बाल आयोग की टीम की मौजूदगी में सीएसपी तथा महिला पुलिस बल की टीम ने स्टेशन रोड स्थित स्पा सेंटर पर पहुंचकर जब अपनी जांच कार्रवाई करते हुए दबिश दी तो हड़कंप के हालात बनते देर नहीं लगी। यहां से जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी देते हुए बाल आयोग टीम के सदस्य ने बताया कि स्पा जो स्टेशन चौराहे पर है, इसमें जो स्पा सेंटर चलाया जा रहा है, यहाँ मसाज के जरिए नाबालिग बालिकाओं को भी बुलाया जाता है और उनको डरा धमका कर अवैध वसूली की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसका एक मामला मिला भी है, एक बालक आया भी है सामने और डरते हुए उसने साहस दिखाते हुए इस स्पा का खुलासा किया है कि यहाँ ब्लैकमेलिंग भी चल रही है और नाबालिग बालकों का शोषण भी हो रहा है। वो मसाज कराने के लिए अगर बालक आ भी रहा है, 17 या 16 साल का है, कंसेंट मान सकते हैं, लेकिन उसका शारीरिक शोषण करना ये उसकी कंसेंट नहीं है। इससे बालक भी अंदर जो यहाँ की सर्विस देती हैं और 2-3 बालक मिले हैं, संदिग्ध है, बिल्कुल संदिग्ध है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री ओमकार सिंह जी भ्रमण पर थे, कई स्कूलों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, साथ ही साथ एक गोपनीय जानकारी दी गई कि ओशियन थाई स्पा जो स्टेशन के आसपास संचालित होता है, इसमें कुछ माइनर बच्चों को भी स्पा जो है वो प्रदाय की जाती है और उसके बाद उनसे जो है अवैध वसूली की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। उक्त तथ्य की तस्दीक हेतु बाल आयोग की टीम के साथ महिला थाना प्रभारी और मैं इस स्पा पर आए हुए थे, तस्दीक की गई, इनके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं और कुछ ऐसे तथ्य हमें मिले हैं जो अवैध वसूली की ओर इंगित करते हैं। मामले की जांच जारी है और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे और जो भी इस स्पा के संचालक और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध जो विधिक का जो भी एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर अरेस्टिंग के सेक्शन में आएगा तो अरेस्ट भी करेंगे। सर, स्पा को बंद किया जाएगा क्या? देखिए, स्पा चूँकि ये एक सर्टिफिकेट बता रहे हैं गवर्नमेंट से, इनको अप्रूव किया गया है, बट उसमें जो लूप होल्स जो कंडीशंस होती हैं वो ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और अगर बंद करने का आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर कराया जाएगा।